नमस्कार, मैं उद्धव कृष्ण, आप न्यूज 18 लोकल देख रहे हैं। देखिए, रविवार को सारे रिकॉर्ड ब्रेक हो चुके हैं। जी हां, इस सीजन का सबसे गर्म दिन जो है वो रविवार बन चुका है। 42.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है और गर्मी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो अभी 4 दिन हीट वेव ऐसे ही जारी रहेगा। विज्ञान केंद्र के द्वारा कई तरह के अलर्ट जारी किए गए हैं, जिसमें येलो अलर्ट भी है। आपको बताएं कि मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा जो येलो अलर्ट जारी किया गया है, इसमें 25 जिलों को शामिल किया गया है। कल तक लू की स्थिति भी देखी गई है। इस कारण बिना मतलब के अगर काम ना हो तो धूप में बाहर निकलने को मना किया गया है। अगर फिर भी अगर आप धूप में निकलते हैं तो बीच बीच में आराम करने की सलाह दी गई है। इसके साथ छाता, टोपी इत्यादि को पहनने की भी सलाह दी गई है। धूप काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए सड़कों पर भीड़ भाड़ भी कम दिखती है। आपको बताएं कि मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा ये बताया गया है कि अभी 4 दिनों तक इसी तरह का मौसम बरकरार रहेगा, ऐसा ही मौसम देखने को मिलेगा। गर्मी से फिलहाल कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। बताएं कि इस सीजन में सबसे गर्म दिन जो है वो रविवार बन गया। रविवार यानी 16 अप्रैल को सबसे ज़्यादा गर्मी रही। आगे जो 4 दिन आने वाले हैं उसमें भी इसी तरह का मौसम देखने को मिलेगा। प्रदेश में पछुआ हवा की गति 10 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बह रही है। आपको बताएं कि इस कारण हीट वेव की स्थिति बन गई है। प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। मौसम के कारण जो परेशानियां हो रही हैं ये सड़कों पर देखने को मिल रही है। सड़कों पर गाड़ियां बहुत कम हो गई है, लोगों का आवाजाही जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। धूप के असर के कारण लोगों के तबीयत भी ख़राब हो रहे हैं। इस कारण आपको एडवाइजरी भी जारी की जा रही है कि बिना मतलब के काम अगर काम ना हो तो बिना मतलब के धूप में ना निकलें। खास करके 12 से 4 बजे तक का जो समय है इस समय घर पर ही रहें। अगर धूप में निकलना भी पड़े तो छाता, टोपी और पैरों में चप्पल जरूर पहने। हीट वेव के कारण आपको बताएं कि काफ़ी समस्या झेलनी पड़ सकती है, इसलिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। 4 दिनों तक इसी तरह का मौसम बरकरार रहेगा। आप देख रहे थे न्यूज़ 18। न्यूज़ 18 के लिए उद्धव कृष्ण, पटना।